भूषण, आपको बता दें कि उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने पुतला फूंककर अपना विरोध जाहिर किया है। मौलाना मदनी जमियात उलमा हिंद पर कार्रवाई की मांग की गई है। अलीगढ़ में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अलीगढ़ में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया, लगातार अब मांग की जा रही है, कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। पुलिस के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला सामने है, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अलीगढ़ और उन्नाव की तस्वीरें हैं, जहां पर साफ तौर पर स्थिति जो है बद से बदतर देखने को मिल रही है। उदयपुर में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, उसके बाद से कई राज्यों में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। और हिंदू जागरण मंच अब लगातार इसको लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ और उन्नाव की तस्वीरें देखिए, जहां पर पुलिस प्रशासन से भी कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई है। तो अलीगढ़ उन्नाव की तस्वीरें हैं। उदयपुर हत्याकांड के बाद से कई राज्यों से इसी तरीके से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। जनता में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ उन्नाव की ये तस्वीरें, उदयपुर में हत्याकांड के बाद विरोध प्रदर्शन अलग अलग राज्यों में शुरू हो चुका है। और ये जो तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ उन्नाव की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना मदनी और जमाती हिंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस के साथ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई है। तो विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से राजस्थान के उदयपुर में तस्वीरें देखने को मिली, और उसके बाद से हिंदू जागरण मंच सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। और इसी बीच पुलिस प्रशासन से भी तीखी नोकझोंक हुई। अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना इलाके के रामलीला ग्राउंड में पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इस दौरान एक दर्जन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया की हत्या को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से उदयपुर में हत्याकांड हुई है, और उसके बाद से अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन क्या दे रहा है? यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, ये राजस्थान में एक घटित घटना के बारे में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनको बताया गया कि यहाँ पे धारा 144 मौजूद है और किसी प्रकार का इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोग इकट्ठे हुए, इसलिए इनको यहाँ से हटाया गया है। सर, पुतला कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? हिरासत में अभी किसी को नहीं लिया गया है। यहाँ से फिलहाल लोगों को यहाँ से हटाया गया है। अभी आगे अग्रिम कार्रवाई बाद में जब लोगों द्वारा पुतला भी दहन किया गया है। अभी पुतले की पुष्टि नहीं हुई है, अभी आपको बताया जाएगा पुतला हुआ या नहीं हुआ। उसके बारे में अभी आप इकट्ठा हुए थे, इनको तुरंत यहाँ से हटा दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया कुमार दर्जी की निर्मम हत्या के बाद अलीगढ़ में हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट जरूर था, लेकिन हिंदूवादी दलों के द्वारा लगातार ये बोला जा रहा था कि हम लोग मुख्यालय पर जाएंगे, पुतला फूकेंगे और साथ ही साथ में ज्ञापन भी देंगे। देखिए, इंडियन न्यूज की इस वक्त टीम मौजूद है अचलतार रामलीला मैदान पर, तमाम पुलिस फोर्स के जो जवान हैं यहाँ मौजूदा तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आएंगे। ये लोग हैं जो हिंदूवादी लोगों के लिए रोकने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, और तमाम यहाँ भारी मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स भी तैनात है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम आपको बताएं कि हिंदूवादी दलों को पुलिस प्रशासन ने पहले से ही नज़रबंद कर लिया था, लेकिन कुछ हिंदूवादी नेता या हिंदूवादी लोग इस रामलीला मैदान के यहाँ पर आए, और आने के बाद उन्होंने यहाँ पुतला दहन पुतला दहन भी किया। देखिए माता जी, हमारे हाँ पुतला फूंक दिया आप लोगों ने? फूंक दिया। किसका पुतला फूंका है? जेहाद का, जेहादियों का। पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है? हाँ, कर ले, हमें कर ले अरेस्ट, कोई डर नहीं है। जो जो बर्बरता हो रही है, इतना सहनशील हमारा हिंदू समाज के सब चींटा चींटियों को जमाने वाले देश में असुर पैदा हो गए। गर्दन काटने की अनुमति है, प्रदर्शन करने पुतला फूंकने की अनुमति नहीं है। पुतला फूंक के हम क्या करेंगे? अपना आक्रोश निकाल लेंगे बस। लेकिन प्रशासन कह रहा है धारा शहर में 144 लागू है, धारा 144 यहाँ लागू कर दी। कन्हैया लाल जी का परिवार 10 दिन थाने घूम के आया, इन्होंने सुरक्षा दी उन्हें,
हैं। आज वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है तो लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं कन्हैया लाल जी की अंत्येष्टि। अभी आपने पुतला फूंक दिया? फूंक दिया। हमें प्रशासन रोक नहीं सकता, जब हम ढांचा तोड़ने जा सकते हैं तो पुतला क्या चीज है। हिंदूवादियों को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, जितने करे कर ले, सब घर आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। बजरंग दल संयोजक सबको 50 लोगों को किया है, कर ले सब घर आ जाएंगे। अभी फिलहाल आप पुतला फूंक चुके हैं? फूंक चुके, फूंक दिया, फूंक दिया। देखिए, ये थे हमारे साथ में हिंदूवादी महिलाएं, जिन्होंने साफ तौर से ही कहा है कि हमने आतंकवाद का और कट्टरतावाद का यहाँ पुतला फूंका। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने की पूरी तरह से तैयारी की ली थी, लेकिन जहाँ एक तरफ पुलिस हिंदूवादी नेताओं को बनाने में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने जो है कट्टरता का और आतंकवाद का यहाँ पुतला फूंक दिया।